एटा में यूरिया खाद की जमकर हो रही है कालाबाजारी। बढ़े हुए रेट 330 रुपए में खाद विक्रेता का धमकी भरा वीडियो हो रहा है वायरल। कालाबाजारी से किसान परेशान और जिला प्रशासन बेखबर। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं। खाद विक्रेताओं ने यूनियन बनाकर 290 रुपए की मिलने वाली खाद की बोरी 330 रुपए में खुलेआम दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। कालाबाजारी के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई उन पर कोई कार्रवाई। एटा की इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप टाइम्स 18 न्यूज पर। एटा जनपद के खाद विक्रेताओं की कालाबाजारी का है पूरा मामला। आप सुनिए और देखिए वायरल वीडियो की पूरी हकीकत। टाइम्स 18 न्यूज आपको दिखाएगा वायरल वीडियो की पूरी हकीकत। देखिए और सुनिए वायरल। कितनी बोरी उठाई थी आपने? 200 कट्टे के हिसाब से लिए हैं। 200 कट्टे लिए हैं एटा फर्टिलाइजर। एटा फर्टिलाइजर और दोनों के रेट यही है 310 रुपए। रैक पे सारी रेट उठी थी इतनी की? इसी रेट बेची थी और पूरा मार्केट फैली पड़ा है। खाद नहीं है सब, पूर्ति भी नहीं पड़ी थी। रैक में सर कितने की आई थी रैक? कितने दुकानें हैं? तो सबको 310 में दे रहे हैं। तो सभी के रेट एक ही तो है, तुम लिख के नहीं दे सकते? अब लिख के तो एक बार में सर दे चुका हूँ। कब दिया था पहले? यानी 400 कट्टे का एक बार पजीता पड़ चुका है, उसमें मुझे बहुत परेशानी हुई। क्या अब काफी लोगों ने प्रेशर डाला? नहीं परेशानी क्या हुई? मैंने कहा डीओ ने मना कर दिया, बात कर लो डीओ साहब से। आप कह दीजिए मत। अच्छा 90 से ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा 90 तक तो दे दे। हां 90 तो नहीं देना पड़ेगा, रिलेटेड फ्लो फॉरवर्ड। हां ऐसा तो 5 मिनट लो मैं कर दूंगा। डीओ साहब ने साफ कह दिया 290 से मैं पेमेंट ज्यादा नहीं दूंगा। वादा मीटिंग में मैं गया बता देना स्पष्ट। मीटिंग की तो जब एक यार जैन साहब ने लोगों को वीरेंद्र को इनको ऐसे दी, इससे ज्यादा नहीं दिया। नहीं मीटिंग तो पिछली बार भी हुई तो तभी भी इतने ही रेट बताए थे, उसके बावजूद भी दे रहे हैं 370 में। अरे कराए रख लेता फिर एकदम, उसमें डालने पड़ते हैं सर। नमस्ते सर। ये तो फॉरन के दे जाओ लिख के। चलो ठीक है ठीक है, गरीब आदमी ठीक है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? संतोष। किस नाम से आपके? संतोष खाद भंडार। संतोष खाद भंडार मारेरा।